तो भाई Realme ने कुछ नए डिवाइसेस लॉन्च करे मार्केट में, Realme 11 5G और साथ ही Realme 11 X 5G और साथ ही दो ईयरबड्स लॉन्च करे। और इन सभी डिवाइसेस में सबसे ज्यादा एक्साइटेड था मैं इसके लिए, यानी कि Realme Buds Air 5 Pro। आज की वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि लगभग 5000 रुपए में ये ईयरफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, साउंड क्वालिटी कैसी है, माइक क्वालिटी कैसी है, साथ ही साथ इसका ANC कैसा काम करता है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं इस Realme Buds Air 5 Pro की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो देखो, ऑल इन ऑल सबसे पहले डिजाइन की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहली चीज, इसका ओवरऑल फील आपको प्रीमियम लगेगा एक्सेप्ट दिस Realme लोगो। यहां पर पता नहीं क्यों ट्रांसपेरेंट डिजाइन का उन्होंने इस्तेमाल किया, पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, हो सकता है शायद आपको पसंद आए, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है काफी एर्गोनॉमिक है, अगर आप पॉकेट में रखते हैं तब भी आराम से आ जाएगा। नीचे साइड टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और राइट हैंड साइड आपको पेयरिंग बटन मिल जाता है, और पेयरिंग बटन यहाँ पर मेटालिक कोटेड लग रहा है, हो सकता है शायद ये पूरा मेटल बटन हो, लेकिन लुक वाइज काफी एलिगेंट लगता है देखने में। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी प्लास्टिक मिल जाती है जो आपको प्रीमियम फील कराती है ओवरऑल। इसका वजन भी आपको थोड़ा सा हैवियर साइड लगेगा जो आम जो नॉर्मल बजट ईयरफोन्स आते हैं उनसे, और देखो ओवरऑल इसका जो डिजाइन है वो आपको डेफिनेटली प्रीमियम फील कराता है। बाकी अगर आप इसको वन हैंड ओपन करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। इवन मेरे यूसेज के दौरान ये ईयरफोन्स गिरे भी हैं और बहुत अच्छे तरह से गिरे हैं, मतलब जैसे ही गिरे सारे ईयरफोन जैसे बिखर से गए, जो ईयर टिप्स है वो बाहर निकल कर आ गए, तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा गया ईयरफोन, बट ये ईयरफोन्स आराम से सर्वाइव कर गए। अब देखो, इतने जोर से गिरने के बाद ईयरफोन्स निकलना जायज सी बात थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैग्नेट्स हैं इसके स्ट्रांग नहीं है, काफी अच्छे स्ट्रांग मैग्नेट्स मिल जाते हैं जो कि बाहर आराम से नहीं आते हैं, जैसे आप इसको बिल्कुल पकड़ के निकालेंगे तभी ये बाहर आते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसा आसानी से नहीं निकलेंगे। साथ ही ईयरबड जो है IP रेटिंग के साथ आते हैं, नॉर्मल स्प्लैश प्रूफ आपको मिल जाता है और स्वेट प्रूफ भी। बात करें ईयर टिप्स के डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको वही एल शेप का डिजाइन मिल जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप आपको स्टेम मिल जाता है, और जो ईयर टिप्स हैं वो कुछ आपको वैसे ही कन्वेंशनल टाइप डिजाइन मिल जाता है। अगर आप इसको पहनते हैं तो इसका जो ईयर टिप्स है वो लाई करता है आपके कान के ऊपर, ना कि जो स्टेम है, स्टेम इसकी हवा में ही रहता है। अब देखो, यहां मैं समझता हूं कि जो स्टेम है वो भी अगर आपके कान के थ्रू हल्का सा टच होके जाता तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है ईयरफोन्स। मैंने देख रखा है जैसे OnePlus Buds Pro है उसका जो स्टेम है वो काफी कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसका जो है स्टेम हल्के से हवा में रहता है, लेकिन एक बार फिट हो जाने के बाद आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा, आप लंबे समय तक भी इसको पहन पाएंगे। अब देखो, टोटल मिला के आपको दोनों ईयरफोन्स में 6 माइक मिलते हैं, यानी कि 3 इसमें और 3 इस वाले में। तो यहां पर आप देख सकते हैं बॉटम की साइड में एक माइक मिलता है आपको, स्टेम के ऊपर की साइड मिल जाएगा, और एक अंदर आपको इसका ANC माइक मिल जाता है। अब इस बार डिजाइन में मुझे कुछ चीजें काफी बढ़िया लगी, स्पेशली जो स्टेम के जो चार्जिंग पिन्स हैं वो। अब देखो, ज्यादातर कन्वेंशनल ईयरफोन्स में क्या होता था, पिन्स जो है वो डॉटेड पिन्स मिलते थे, लेकिन इस बार एजेस में पिन दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया बड़ा है। पुराने वाले में प्रॉब्लम ये आती थी कि कुछ टाइम बाद यार ईयरफोन जो है कोरोजन होना लगता था ईयरफोन्स के पिन्स में, अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर कोरोजन होने के साथ साथ जो पिन पॉइंट्स हैं वो अटैच नहीं होते थे चार्जिंग पिन से, जिसके कारण लॉन्ग टर्म यूसेज के दौरान ईयर टिप्स जो है वो काम नहीं करते थे, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि पिन्स जो है वो कोरोड हो जाते थे आसानी से। लेकिन इस बार जो है चार्जिंग का सरफेस एरिया काफी बढ़ा दिया गया है, पिन काफी वाइड दिया गया है, और वो चीज डायरेक्टली अटैच होती है इसके चार्जिंग पिन के जगह नॉर्मल एक प्लेट में। इन ईयरबड्स की फिटिंग काफी सही है, हमारे पूरे टीम में सभी मेंबर्स को काफी अच्छी लगी, जिसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग आराम से पहन पाएंगे। इसी के अलावा इन ईयरटिप्स में आपको टच जेस्चर्स मिल जाते हैं, और थैंक गॉड इस बार वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन दिया है ट्रिपल टैप पे, लेकिन यहाँ पर डबल टैप पे सिर्फ नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाने का ऑप्शन दिया है, प्रीवियस ट्रैक पे नहीं। अब आप कहेंगे कि यार इससे क्या होता है, हाँ ये बताता हूँ क्या होता है। अब मान लीजिए आपने ट्रिपल टैप में वॉल्यूम लेवल सेट कर दिया है, उसके बाद डबल टैप में आपने ट्रैक चेंज का ऑप्शन रख दिया है, अब प्ले पॉज और प्रीवियस ट्रैक में सिर्फ आप एक ही चूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं डेवलपर्स ने क्या किया, यहाँ पर इनको डबल टैप पे प्रीवियस ट्रैक पे ले जाने का ऑप्शन भी रखना चाहिए था, ना सिर्फ नेक्स्ट ट्रैक पे। अगर आप वॉल्यूम सेट कर देते हैं तो या तो आप वॉल्यूम यूज कर पाएंगे या फिर आप प्रीवियस ट्रैक पे जा पाएंगे, तो ये चीज सुधारने की जरूरत है, या फिर डबल टैप में अगर वॉल्यूम बटन दे देते हैं यानी कि वॉल्यूम चेंज करने का ऑप्शन, तो वो ज्यादा बेटर रहता। तो आई होप आने वाले टाइम में Realme इस चीज को फिक्स कर देगी। अब देखो, इन सारे कस्टमाइजेशन के लिए आपको Realme लिंक ऐप का यूज करना होगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड ऐप नहीं है, तो आपको बाकी सारे Realme के डिवाइसेस एक ही जगह मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास Realme के और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि Realme का स्मार्ट लाइट हो गया या फिर कुछ और डिवाइसेस हो गए, तो एक ही ऐप के अंदर सारी चीजें दिखाती है, और ये चीज थोड़ी सी स्लाइटली क्लटर्ड बनाता है इसके ओवरऑल UI को।
बाकी अगर आप टैब के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और ये सारे ऑप्शंस लगभग वैसे ही मिलते हैं जो आपको OnePlus Buds Pro 2 के अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट, रियल टाइम बैटरी इंडिकेटर आपको मिल जाता है ऊपर की साइड में। नीचे आए तो आपको नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें उसकी इंटेंसिटी भी आप कंट्रोल कर सकेंगे, विच इज रियली गुड। साथ ही ANC के लिए स्मार्ट मोड भी है जो कि ठीक ठाक काम करता है, बट मुझे मैनुअल रखना पसंद है। नीचे आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं काफी सारे एंड बाय डिफॉल्ट ये प्योर बेस पे रहता है। एंड आई डोंट नो व्हाई जितने भी डेवलपर्स हैं ये ज्यादा बेस हैवी ईयरफोन्स क्यों बनाते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसको प्योर बेस पे रखा है। अगर आपको बैलेंस्ड ऑडियो चाहिए तो आपको कस्टमाइजेशन करना होगा। यहाँ पर आपको 6 बैंड इक्वलाइजर का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया लगा मुझे, और मैं आपको ट्यूनिंग बता दूं कि मैंने अपने हिसाब से कैसा किया इसको बैलेंस साउंड बनाने के लिए। यहाँ पर बेस को मुझे कम करना पड़ा और हाइस को स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। अब ऐप के अंदर आपको स्पेशल ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ट्रू स्पेशल ऑडियो तो नहीं कह सकते, यानी कि यहाँ पर आपको साउंड मैपिंग नहीं मिलती है जो आपको Realme Buds Pro 2 में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप स्पेशल ऑडियो को ऑन करते हैं तो आपको वाइड स्टेज साउंड बहुत अच्छे से सुनने को मिलेगा। यानी कि अगर आप एम्बियंट म्यूजिक बहुत सुनते हैं इंटरस्टेलर टाइप, तो आपको ये वाइड स्टेज साउंड काफी बढ़िया लगेगा। लेकिन इस ईयरफोन का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको LDAC का सपोर्ट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप हाई बिट रेट में अप टू 990 kbps तक म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं फॉर एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी। उसके अलावा ये ईयरफोन जो है डुअल कनेक्शन सपोर्ट करता है, मान लीजिए आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है और आपके फोन से, तो इन दोनों के बीच में आराम से सिंक करके रखता है ये। मान लीजिए अगर कॉल आ गया, अगर आप लैपटॉप में हैं तो ये कॉल को प्रायोरिटी ले लेता है, जो कि चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। साथ ही यहां पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप कान से रिमूव करते हैं ईयरफोन्स तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक पॉज हो जाता है। तो ये सारी चीजें एनहांसमेंट इसमें दी गई है, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल ईयरफोन जो आते हैं जैसे कि OnePlus के हो गए या फिर Nothing ईयरफोन्स हो गए, कुछ वैसी ही सेटिंग्स आपको यहां पर मिल जाती है। एंड नाउ बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसका आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, यानी कि साउंड क्वालिटी के बारे में। देखो, नो डाउट आउट ऑफ द बॉक्स ये काफी बेस हैवी है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको बेस काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन जब मैंने इसको इक्वलाइजर के थ्रू अपने हिसाब से ट्यून किया तो ओ बॉय, क्या बेस, क्या मिड्स और क्या हाइस, सभी कुछ मुझे काफी वेल रिफाइंड लगे। इसका जो ड्राइवर है, जैसे कि मैंने बताया, काफी केपेबल है बढ़िया से वाइड स्टेज साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो, जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट द साउंड क्वालिटी, अगर आप तेरे वास्ते सॉन्ग सुनेंगे बाय वरुण जैन फ्रॉम टाइम स्टैम्प टू 0.40 सेकंड्स ऑनवर्ड्स, द स्टीरियो सेपरेशन जहां पर वॉइस राइट से लेफ्ट जाता है उसमें जबरदस्त कोरस के साथ आपको गजब की स्टीरियो इफेक्ट सुनाई देती है इन ईयरफोन्स पे। और ऐसे ही सॉन्ग्स जैसे कि मांजा फ्रॉम काई पोचे, वहां पर आपको अमित त्रिवेदी की जो साउंड क्वालिटी है वो भी जबरदस्त सुनाई देती है। करीब 0.35 सेकंड्स में क्लैप का स्टीरियो इफेक्ट आपको जबरदस्त सुनाई देता है। और इतना ही नहीं, सॉन्ग के अगर आप 1.08 सेकंड्स पे जाएंगे तो वहां पर अमित त्रिवेदी की जो स्टीरियो में साउंड क्वालिटी सुनाई देती है वो एक्चुअली ये बढ़िया से सेपरेट करता है स्टीरियो इफेक्ट को और आपको बढ़िया से डिलीवर करता है। चाहे आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात कर लो या फिर स्टीरियो एक्सपेंशन की, सभी कुछ में इसके जो ड्राइवर्स हैं वो खरे उतरते हैं। अब देखो, 100 बात की एक बात कहें साउंड क्वालिटी के बारे में, तो ये ईयरफोन लगता नहीं है कि 5,000 का होगा, लगभग 10-15,000 वाले ईयरफोन जो होते हैं उस तरीके की साउंड क्वालिटी देता है। नाउ रही बात ANC की, तो मुझे इनिशियली थोड़ा ज्यादा ईयर प्रेशर फील हुआ, बट थैंक गॉड इसमें ANC लेवल सेट करने का ऑप्शन है जिससे आप बढ़िया नॉइस रिडक्शन के साथ मस्त साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं। अब देखो, ANC के बारे में कहूं तो यहां पर आपको वो भी फ्लैगशिप लेवल का मिल जाता है, यानी कि कंपनी ने देखो क्लेम किया 50 डेसिबल्स तक, यहां पर जो एक्चुअल नॉइस कैंसिलेशन है वो जबरदस्त लगती है। कुछ लोगों को हो सकता है कानों में ईयर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा फील हो, क्योंकि 50 डेसिबल काफी ज्यादा होता है, और ये चीज हमने नोटिस करी थी OnePlus के Buds Pro 2 में, उसमें भी काफी अच्छा ANC है और इसमें भी आपको लगभग वैसी ही मिल जाती है। अब देखो, पिंक नॉइस, वाइट नॉइस और इवन विंड नॉइस जैसे कुछ हैवी नॉइसेस भी हो गए उसको आराम से ये रिड्यूस कर देता है। और लेकिन अगर आप थोड़े से हार्श नॉइस जैसे कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो गया या फिर अगर आपने शावर वगैरह ऑन कर रखा है तो उसमें जो आवाज़ होती है यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी वाली, वो क्लियरली आपको सुनाई देती है। नाउ रही बात माइक क्वालिटी की, तो वो भी इक्वली बढ़िया है इसमें, इनफैक्ट प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट माइक क्वालिटी आपको मिल जाती है। सामने वाले को बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के साथ नॉइस भी काफी कम सुनाई देती है। नाउ बात करें बैटरी बैकअप बारे में, तो ये भी आपको लगभग फ्लैगशिप लेवल जैसी बैटरी बैकअप देता है। यहां अगर मैं अपनी यूसेज बताऊं तो यहां पर मैंने इसको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल किया, LDAC ऑन था, ANC ऑन था, मैंने कॉल्स वगैरह लिए, तो मेरे यूसेज के दौरान लगभग मुझे बैटरी बैकअप मिली एक बार ईयरबड्स निकालने के बाद करीब
4-4.5 घंटे के आसपास। मैंने वॉल्यूम लेवल रखा लगभग 50-70% के आसपास मैंने फ्लक्चुएट किया होगा। तो उसके हिसाब से देखो, एक बार जो ईयरबड से चार्ज होने के बाद इतनी बैटरी बैकअप दे देते हैं। कंबाइंड केस के साथ मुझे बैटरी लाइफ मिली करीब 32 घंटे के आसपास, जिसमें मैंने इसको डुअल कनेक्शन भी काफ़ी टाइम ऑन रहा, यानी कि एट ए टाइम ये मेरे लैपटॉप से भी कनेक्टेड था और मेरे ईयरफोन यानी कि मेरे फ़ोन से भी कनेक्टेड था। तो देखो, मेरे यूज़ के सिनेरियो के हिसाब से जो फ्लैगशिप लेवल ईयरफोन्स भी हैं वो भी इतना ही चले थे और ये ईयरफोन्स भी उतने ही चले हैं। तो यानी कि ओवरऑल बैटरी बैकअप के मामले में ये ईयरफोन्स आपको निराश नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज भी मिल जाती है, यानी कि 10 मिनट के चार्ज में ये लगभग 6-7 घंटे की बैटरी लाइफ दे देते हैं, यानी कि अगर आप म्यूजिक प्लेबैक करेंगे तो इतनी मिल जाएगी आपको। एंड नाउ फाइनली वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये ईयरफोन्स नो डाउट बिल्कुल फ्लैगशिप टाइप ईयरफोन्स हैं, माइनस दी वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग आपको यहां पर नहीं मिलती है, अगर वो होता तो देखो कमाल की बात होती, लेकिन मैं चला लूंगा, फास्ट चार्जिंग आपको यहां पर मिलती है। अब इस प्राइस में आपको साउंड क्वालिटी, इसके जो ऐप के अंदर कैपेबिलिटीज मिलती है यानी कि फंक्शंस मिलते हैं, वो ज़बरदस्त मिल जाते हैं। एक बढ़िया ANC, ज़बरदस्त ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो आपकी आपको निराश नहीं करेंगे। और मैं डेफिनेटली बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्राइस में शायद ही कोई ऐसा ईयरफोन होगा लगभग 5,000 रुपये के आसपास जो आपको ऐसी साउंड क्वालिटी देगा, और इतने बढ़िया कोडेक के साथ, यानी कि LDAC वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाता है। और हाँ, इसमें आपको गेमिंग बोर्ड भी मिल जाता है जिसकी लेटेंसी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। मैं सजेस्ट नहीं करता कभी भी आप किसी वायरलेस ईयरफोन्स में गेमिंग करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर लेटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन करीब 40-50 मिलीसेकंड्स के आसपास आपको मिल जाता है। तो देखो, ओवरऑल ये ईयरफोन मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। आई होप आने वाले टाइम में मैं ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, यानी कि कोई अगर मुझसे पूछेगा कि भाई 5-5.5 हज़ार रुपये के आसपास कोई बढ़िया वायरलेस मस्त ईयरफोन्स बताओ, तो ये ईयरफोन डेफिनेटली निराश नहीं करेगा और बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ आप इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ पूछना है इस ईयरफोन्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।